Hello student, this is the third part of our chapter punctuation. But before starting this third part, we will revise the first and second part first. The definition of punctuation. Punctuation means a mark. The marks, signs and symbols used in writing are called punctuation marks. The punctuation marks help to clarify the meaning of a sentence. Next, the most commonly used marks of punctuation are semicolon, comma, full stop, apostrophe, colon, note of exclamation, note of interrogation, hyphen, quotation marks. Next, full stop. A full stop is used at the end of a statement or command or request or abbreviations. Examples: the cow is a useful animal. PPS, Prayag Public School. Next, question mark. A question mark is used when a question is asked in a sentence. Example: where is your book? How do you want to spend your summer vacation? Exclamation mark. This is the exclamation mark, जिसे हम exclamatory mark भी कहते हैं. An exclamation mark is used after a word or a group of words or a sentence that expresses a feeling of sorrow, surprise or happiness. यानी कि हम exclamation mark को a word एक शब्द के बाद use करते हैं या फिर group of words कई शब्दों के बाद use करते हैं और a sentence या फिर किसी वाक्य के अंत में use करते हैं. That expresses, जो कि हमें बताता है, a feeling of sorrow, दुख की भावना, surprise, आश्चर्य की भावना और happiness या फिर खुशी की या प्रसन्नता की भावना को व्यक्त करता है. Example, wow, what a beautiful flower. Wow word जो हमने यहाँ use किया है, ये interjection है, जो कि हमारा हैप्पीनेस को और साथ ही में हैप्पीनेस विद सरप्राइज को शो करता है. जैसे ही हमने देखा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, वैसे ही हमारे अंदर ये सडन फीलिंग ऑफ सरप्राइज, सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आ गई और इसके जस्ट बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ कर लिया. नेक्स्ट इज ब्रावो, यू हैव डन वेल. यहाँ पर ये भी सडन फीलिंग में आने वाला हमारा इंटरजेक्शन है. जब भी हम कोई भी खेल खेलते हैं या कोई भी कंपटीशन में पार्ट करते हैं या कुछ भी अच्छा करते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है, एप्रिशिएशन मिलता है. तो किसी को अप्रिशिएट करने के लिए हम उसे शाबाशी देने के लिए ब्रावो वर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम अपनी खुशी की फीलिंग को व्यक्त करने के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं और फिर बाकी का सेंटेंस यू हैव डन वेल, यानी तुमने बहुत अच्छा. कॉमा, दिस इज़ द मार्क ऑफ कॉमा. A comma indicates the shortest break in a sentence. Comma एक वाक्य में थोड़ी देर के रुकाव या थोड़ी देर के ब्रेक के लिए होता है, जिसे हम थोड़ी देर पॉज लेते हैं. जब भी हम रीडिंग करते हैं तो जहाँ पर भी comma आता है वहाँ पर हम ज़रा सा पॉज लेते हैं. For example, चिराग कम इन. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम किसी को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, चाहे हम उसे उसके नाम से करें या किसी भी
वर्ड से माय डियर फ्रेंड, माय फ्रेंड, कोई भी एड्रेसिंग वर्ड होगा उसके तुरंत बाद हमारा कॉमा आएगा और फिर हम बाकी का सेंटेंस लिखेंगे। तो चिराग हमने एड्रेस किया और फिर उसके बाद कमेंट, ये हमारा कमांड सेंटेंस हो गया और फिर हाँ यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट इज मोना इज़ एन ऑनेस्ट ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग गर्ल। मोना एक ईमानदार, बहादुर और बहुत ही मजबूत लड़की है। अब मोना की इतनी क्वालिटीज़ को अगर हम इस कॉमे से अलग नहीं करेंगे तो ये सब आपस में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार एंड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड का यूज़ केवल लास्ट वाले वर्ड के पहले ही किया जाता है, बाकी हर जगह पर हम कॉमा यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑनेस्ट और ब्रेव के बीच में कॉमा यूज़ किया है। ओके नाउ चिल्ड्रन, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल एंड यू विल मेक सेंटेंसेस ऑफ 5 sentences ऑफ कॉमा एंड 5 sentences ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क इन योर होमवर्क कॉपी एंड लर्न द डेफिनेशन ऑफ कॉमा एंड द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क।